होशियारपुर में 9 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर यहां आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने रैली मैदान का यहां निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 2014 में होशियारपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मैदान से अपनी रैली को संबोधन किया था। उसी इतिहास को दोबारा यहीं से दोहराते हुए प्रधानमंत्री फिर रैली कर लोकसभा सीट को जीतने के लिए होशियारपुर निवासियों से अपील करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश में नेताविहीन पार्टी बन चुकी है और कांग्रेस पंजाब में सत्ता में होते हुए भी दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपनी सरकार बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। अभी हम लोग रोशन ग्राउंड, जो होशियारपुर का बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, इसके ऊपर खड़े हैं और यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है। 2014 को भी जब चुनाव का आगाज हुआ था तो हमारे उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री होने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ पर रैली को संबोधित किया था। आज 19 में वो बतौर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 14 में यहीं से मैसेज दिया था, सरकार बनी थी और यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीता था। आज भी यहीं से 10 को भी यहीं से मैसेज देंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे और जहाँ से भी कैंडिडेट जीतेगा। और जो मैं देख रहा हूँ, जनता में बहुत उत्साह है। जनता आंखें बिछा के जो है इंतजार कर रही है कब वो आएँ, उनका दर्शन हो, उनकी बात सुने। और कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है। तो ये एक ऐतिहासिक रैली होगी और इस रैली में भरपूर जोर भी हमारे लोग लगा रहे हैं, मैक्सिमम अप्रोच हम लोगों तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनता को कोई असुविधा ना हो उसके लिए भी हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है, ताकि गर्मी होने के कारण किसी को पानी हवा की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसका भी हमने इंतजाम किया हुआ है। कांग्रेस सारे देश में, मैं कह रहा हूँ कि नेताविहीन, दिशाविहीन और इशूलेस पार्टी बन चुकी है। पंजाब की मैं जब बात करें तो उनको अगर सत्ता में होते हुए भी दूसरी पार्टियों के MLAs को तोड़कर अपनी सरकार को जैसे बचाने का प्रयास जो है वो हो रहा है, तो कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस के कोई भी मुद्दा आज जो देखें तो कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं है चुनाव लड़ने का, सिर्फ झूठ एक मुद्दा है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके अध्यक्ष माफ़ी भी मांग रहे हैं। जनता इन बातों का जवाब जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रही है दे रही है और 23 को सारी बात क्लियर हो जाएगी जब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल अब बहुत बड़े मार्जिन से सरकार बनाएंगे।